इजाज़ उल हसन फिर हाजिर है आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका पंजाब की शमाली जो पहाड़ी रियासतें हैं उनके साथ ताल्लुक है, वहाँ भी की कमाल की मुसफरी है। तो आज मेरे साथ मेहमान हैं, एक तो कमल खालिद साहिबा और साथ नादरा खान साहिबा, ये दोनों तारीख दान हैं। मैं ये कहता चलूं कि ये जो रियासतें थी पहले मुगलों की हुकूमत का हिस्सा हुआ करते थे, फिर उसके बाद इस पे कब्जा हो गया, तो उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद होने लगी। ये कुल तो कोई 38 रियासतें हैं मगर इसमें से 10-15 ख़ास तौर एक मसवरी के हवाले से बहुत अहमियत रखती हैं। उसमें बाशोली सबसे पुरानी, और कांगड़ा है, गुलेर है, नूरपुर है, मंडी है, इस तरह और बहुत सारी रियासतें हैं। तो इसका जुग्राविया कुछ ऐसा है कि अगर आप लाहौर से चलें घोड़े के ऊपर रावी के साथ साथ, तो मेरा ख्याल है शाम को तक आप शायद कांगड़ा और गुलेर पहुँच जाएँ, और रास्ते में अगर आप दाएं हाथ देखें तो आपको जम्मू भी नज़र आएगा, जम्मू की रोशनियाँ नज़र आती हैं। और जाते हुए मैं कहता जाऊँ कि जम्मू का मोगरा बड़ा मशहूर हुआ करता था, मोतिया तो होता है, मोगरा बड़े कम लोगों ने देखा, बड़ा खुशबूदार बड़ा। तो ये सारी रियासतें ही बड़ी खुशबूदार हैं रंग के वाले से भी और अपने मौजूद के वाले से, तो मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा। ये मैं चाहूँगा कि हमारे मेहमान जो हैं उनको मौका दिया जाए कि रंगारंग जो उनके मौजूद हैं उनको भी जेर बहस ले कर आएँ, और जो मुनफरद स्टाइल है मुख्तलिफ रियासतों के स्टाइल असलूब हैं, तरीका इजहार है, उस पर भी ज़रा नज़र रखें। तो जनाब ये पहली जो तस्वीर है इंडियन पेंटिंग्स में, और जिस दौरानिया की बात हम कर रहे हैं, ये 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक का एक वक्त है जिसमें ये पेंटिंग्स यहाँ पर की जा रही हैं, उसमें इंसानी कैफियत को मौजू बनाया गया। वाह। और वो कैफियत मौसम से भी जुड़ी हुई थी, और वो कैफियत कुछ पेंटिंग्स में मौसीकी से भी मुंसलिक हैं। ये जो पेंटिंग हमारे सामने है ये 12 माह एक सीरीज है जिसे शायरी भी होती है, शायरी भी है, बिल्कुल 12 महीनों के बारे में शायरी भी है। हर मौसम में इंसान की कैफियत, उसका मूड मुख्तलिफ किस्म का होता है, और उसे पेंटिंग में उस मूड की कैसे अक्कासी की जाए वो दिखाया जाता है। और उसके लिए फिर कभी पीछे वादियां भी दिखाई जाती हैं, और जो ये शमाली इलाका जात का जैसे आपने जिक्र किया, इसकी खास तौर पे एक जो अंसर सामने आता है वो ये कि जो उनका लैंडस्केप था, जो जो खूबसूरत वादियां थी उसकी अक्कासी बहुत खूबसूरती से कैफियत पैदा करते हैं। जी जी सही। ये अब कितना फासला हो गया बिटवीन मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग में ये बिल्कुल कोशिश नहीं की जाती थी कि कैफियत पैदा की जाए या लोगों के बुनियादी तौर पे तासरात पेश किए जाए, जाती तासरात जो हैं। तो ये एक बेसिक बड़ी लीप फॉरवर्ड है, मैं समझता हूँ कि आम इंसान के ये मुसवरी करीब आती जा रही है। ये तासरात आपको जहांगीर के पीरियड में तो बहुत मिलते हैं मगर बुनियादी तौर पे उसमें मुशाहिदा ज्यादा अहमियत रखता था जी। इसमें जो है ना जज्बात का इजहार जो है वो देखते हैं कि ज्यादा अहमियत रखता है। इसमें बसरी हकीकत पसंदी बहुत आपको कम दिखाई देती है कि जितनी मंसूर में या और मुगल मुसव्वरों में दिखाई देती। हाँ जी। ये तो एक बहुत फर्क है ना, ये शिव जो हैं उनके डीटी हैं उनसे मंसूब किया जाता है। तो ये शिव जो हैं ये अपने वाहना नंदी के ऊपर जा रहे हैं, और ये रागमाला सीरीज की एक पेंटिंग है। इसमें बहुत खूबसूरत पीला रंग है पीछे जो इसमें एक रोशनी का एलिमेंट पैदा कर रहा है, और ये शुरू की चंद पेंटिंग है जो तकरीबन 16वीं सदी के करीब की हैं, 15वीं या 16वीं सदी के करीब, जिसमें ये जो फ्लैट एक तरह की बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रही है और होराइजन लाइन बहुत ऊपर जाके
जो आसमान का एक नीला सा आपको बादल दिखाई दे रहे हैं वो बहुत बहुत ऊंचाई पे दिखाई देती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि वो जो मुगल तर्ज की पेंटिंग्स जिसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी आ गया था वो आहिस्ता आहिस्ता जी गहराई और पर्सपेक्टिव के हिसाब से नीचे जी 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 फ्लैट और हाँ जी खड़ा हुआ जी 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 लगती है जी वो एक तरह से आपकी आंख को रोका जा रहा है पीछे। अगली तरह चलें जी, इससे अगली पेंटिंग भी जो है ये बसौली, जो कि अभी बात हुई कि पहाड़ी स्कूल्स में से बसौली की है ये बसौली है, और बसौली भी एक छोटा सा वहाँ का की रियासत है जिसकी ये पेंटिंग है। और बसौली की जो ये कीरपल पाल कैरेक्टर है जो को राजा उसको बनाया गया है, इनके यहाँ पे जो रंग हैं उनमें ब्राइट येलो और ओकर और ऑरेंज कलर का जो एक इस्तेमाल है वो बड़े बोल्डली और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से किया गया। तो बसौली की तस्वीर को अगर किसी ने पहचानना हो तो उसके रंगों से जो है सही, आप फौरन पहचान जाते हैं, वेरी रेडिएंट और मैं समझती हूँ सॉलिड कलर्स। मुसव्विर जो है वो बड़ा बहादुर था क्योंकि अमूमन ऐसे रंगों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बड़ी खूबसूरती से बसौली में इसको किया गया है। कैरेक्टर कशी भी बड़ी अच्छी तरह की हुई है जी, स्टाइलाइज्ड और कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग किया। आगे चले जी, जी आगे हम चलते हैं। वाह ये तो ये भी बशोली है, और बशोली में एक जैसे आप देख रहे हैं ये जो दो इसकी बहुत वाजे खसूसियात हैं, एक तो ये कि जो जेवरात इन्होंने पहन रखे हैं ये कृष्ण जी हैं और राधा हैं और उनके पीछे उनकी सखी हैं। इन्होंने जो जेवरात पहन रखे हैं जी बशोली पेंटिंग्स में, इनकी ये मोतियों की सफ़ेद मोतियों की जो एप्लीकेशन है ना जी वो एक तरह की थ्री डिमेंशनल है, यानी वो अलग से रंग थिक पेस्ट अच्छा, रंग की बना के और उसे जैसे मोती जड़े जाते हैं जड़े पेंटिंग जाते हैं। उठे अच्छा, हुए वो इसलिए अगर आप उभरे हुए वो महसूस होते हैं, वो देखने में अगर आप एक्चुअल पेंटिंग को देखें तो आपको महसूस होते हैं। और दूसरी चीज़ एक और जो बशोली पेंटिंग्स का मुनफरिद एक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनके जो हार और जेवरात हैं उसमें जो बीटल विंग्स की केसिंग्स है ना जी जी वो भी इस्तेमाल होती हैं तितलियों की, वो तितलियों के जो रंग हैं वो जी वो हरा नीला काट के बीच में वो काट के चिपका देते थे और वो जरा सी रोशनी की कमी बेशी से वो ऐसे लगता था जैसे जमुरद और याकूत और नीलम इसमें जड़े हैं। बिल्कुल, और पहाड़ी पेंटिंग जितनी भी हैं उसमें सब्जेक्ट हमें भगवत गीता और गीता गोविंदा से हमें नजर आते हैं। यहाँ पर भी आपको वही एक किस्सा दिखाई देगा कि जिस तरह से उनको दोनों कैरेक्टर्स को बनाया गया है। और अगली ये पेंटिंग जाने से पहले मैं एक बात, ये जो आपने बात की है ना कि भाई ये जो मोती बनाए गए हैं जी 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 वो एक खुरदरे गोल हैं, ये अजंता की मुसव्वरी के म्यूरल में भी है जी 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 बिल्कुल, वो कमाल के बिल्कुल लगता है। बिल्कुल आपने खूब याद करा, सचमुच माला पहनी हुई है, सचमुच माला पहनी वो चमकते हैं जी। आगे जी जी ये जो अगली पेंटिंग है जी ये मेरी बड़ी पसंदीदा तस्वीर में से एक तस्वीर है, और इसमें जो है बच्चे आप देख लीजिए कि छुपन छुपाई खेल रहे हैं, और कृष्णा हैं जो आपको नीले रंग में जिनका जिस्म पेंट किया गया है, और बाकी गोपाज उनके जो दोस्त हैं वो उनके साथ जो है खेल रहे हैं। और इसमें जो सब बहुत एक खूबसूरत चीज है वो इसका बैकग्राउंड स्काई है, वो यही मैं कहने लगा था। जो इसका 14वीं का चांद और जो सितारे और जो रात को जो है वो बच्चे वो जिस तरह हो से जाती है ना? जी बिल्कुल, तो पहाड़ी पेंटिंग के अंदर जो फनकार है वो वाज़े तौर पे नजर आता है कि वो अपने लैंडस्केप से इतना मुतासिर है कि हमें बारहा उसकी वो झलक दिखाई देती है। और इसके अंदर जो उसने शगुफे खिलाए हुए हैं और जो यू कैन ऑलमोस्ट फील द फ्रेग्रेंस ऑफ दीज फ्लावर्स, मगर आगे जो भैंस बैठी है उसको भूलना चाहिए, बिल्कुल लगता है कि जैसे एक साइड पे दबा के वो बैठी हुई है सफेद और काले पैटर्न वाली साधु लवली, उससे बड़ा एक सेंस ऑफ डेप्थ पैदा होती है, आंख वहां पड़ती है और आगे और बड़े स्पॉन्टेनियस पोस्चर्स हैं, जैसे ये कोने में है तो वो उसने गर्दन अपनी बड़ी है बड़ी जी 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 मूवमेंट आपको मेक्स यू फील हैप्पी, बिल्कुल खुश लगता है जी। ये भी कृष्ण महाराज की कहानियों में से है
कृष्ण लीला में से समझ लीजिए, ये अपने जो फॉस्टर पेरेंट्स के घर में ये पले बड़े, चोरी करते थे रोज और मक्खन। इन्हें मक्खन बहुत पसंद था। तो कृष्ण जी को हमेशा नीले रंग में दिखाया जाता है। तो ये छोटा सा बच्चा जो उस माँ बलो रही है, उसने जैसे ही पलट के दूसरे बच्चे की तरफ देखा तो उन्होंने हाथ डाल के उसमें से मक्खन खाने के लिए। ये जो पेंटिंग्स हैं इसमें जो फीमेल फिगर है वो इलॉन्गेटेड है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो एक मुगल ट्रेडिशन है, और ये दिस इज मूविंग, ये अब चल रहा है कांगड़ा फाइनली जो उभरेगा कुछ अरसे में, उसे उसकी छाप आती उसकी छाप आती जा रही है। खूबसूरत जी, खूबसूरत उसका उसकी रंगों की आमेजश बनावट उसकी बड़ी, ड्राइंग बड़ी जी, बहुत बहुत पुख्ता ड्राइंग है जी। वाह जनाब, ये जी रामा, राम जी एक और अवतार, और इनका सफर दिखाया जा रहा है अयोध्या की तरफ जहाँ के हुक्मरान। वैसे ऐसे लगता है कि एक मिनट में ये फ्रेम से बाहर निकल जाए। जी, इतनी आपको मूवमेंट नजर आती है इस पेंटिंग में कि लगता है कि जैसे वो निकल जाएंगे। और वही बात है कि जो रंग हैं वो इंतहाई शोख और बड़े ब्राइट इस्तेमाल हुए हैं। आगे जो है गालिबन हनुमान का, जी जी हनुमान का फिगर जो है वो हमें दिखाई देता है, पीछे उनकी जो खदाम है वो चलते हुए आ रहे हैं, और उसके बाद आर्मी भी आपको कुछ डिस्टेंस पे, और फिर वही बात कि पहाड़ियों के पीछे से उनको इस तरह से कि कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ पहाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं। तो ये बड़ी एक ये दूर का स्काई, यू नो स्काई लाइन पे वो बड़ा अच्छा वो सारा मंजर दिखाया हुआ। जी जी, और ये ओवल फ्रेम्स जो हैं ये भी एक खास इस पीरियड में तकरीबन 18वीं सदी में यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हुए, ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस है। ये कहने लगा ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस है। हाँ जी, और बिहारी की सतसई की पेंटिंग्स हैं जो कि तमाम की तमाम इस ओवल फ्रेम में पेंट की गई हुई है। यहाँ फोटोग्राफ पुराने घरों में जाए ना, पुराने उनके यहाँ तस्वीरों के फ्रेम भी कई ऐसे ही हैं। हाँ जी, ये जनाब बड़ा कत्ल वगैरह ये हाँ जी, ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, एक्शन से भरपूर है। इसमें भी पीछे वादी दिखाई दे रही है, मगर वो वादी जो है कुछ बर्फ से ढकी हुई है, कुछ में सब्जा है। तो मुख्तलिफ मौसम भी हैं। जो उल्टे हाथ पे आप जी सवार है, शेर दुर्गा के अपने वाहना शेर और पे हमला सवार है। हो रही है जी, डीमन के ऊपर। और ये डीमन जो इस ये जो डीमन है इसका नाम है महिषासुर। तो इस पेंटिंग को या दुर्गा की इस किस्म की पेंटिंग्स को महिषा मार्दनी कहते हैं, कि जहां उन्होंने महिष एक बहुत खतरनाक डीमन जो था या देव था उसको। अच्छा, इसकी एक और खूबसूरत चीज़ ये है जी कि जितनी भी डीटीज थी, मेल डीटीज, उन्होंने अपने अपने वेपन्स लाकर, अपने अपने हथियार लाके दुर्गा माता को दिए, और उन्हें कहा कि ये हमसे नहीं संभल रहा, ये अब आप कीजिए। अच्छा, तो तभी उसके हाथ, उसके बहुत सारे हाथ जी, बहुत सारे हाथ हैं, और हथियार उसने हर हाथ में एक डीटी का हथियार उन्होंने पकड़ रखा है। ये जी वही सुदामा जी, ये फिर आवारा फिर रहा है। ये गढ़वाल की पेंटिंग है जी, ये एक और रियासत है वहीं पे, गढ़वाल की है। इसमें जो आसमान में पीछे अगर आप देखें तो बहुत स्वर्लिंग लाइंस हैं, और उसमें भी कहीं कुछ जानवर, और ये पहाड़ी इलाका बड़ी खूबसूरती से, इसमें बड़ी इंट्रिकेट डिटेल्स हैं। दूर अगर आप देखें बाएं हाथ पे तो एक सुनहरा मकान भी दिखाई दे रहा है। तो ये कहानी का दूसरा हिस्सा है, ये सुदामा जो थे कृष्णा ने इन्हें वापस भेज दिया, और इन्हें कहा कि ठीक है तुम्हारे माली मसाइल का मैं देखता हूँ क्या करना है, क्या होता है क्या होता है। ये जब अपने घर के करीब पहुंचे तो वहां एक आलीशान महल खड़ा था। आलीशान महल घर के पास, घर को बदल दिया ना, वाह, एक आलीशान महल से। This is how he तो जी कृष्ण महाराज ने अपने दोस्त की लाज ऐसे रखी कि उन्हें उनके हाथ में कुछ थमा के वापस नहीं भेजा। उन्होंने उन्हें कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारा, ये है वजादारी जी, वजादारी जी। राधा पिनिंग इन विल्डनेस, ये तो लगता है धमाल मार, धमाल सर, दुख है, गम है, दुख है जुदाई का, जुदाई का, और दूर आपको कृष्ण का दुख है जी, कृष्ण का, राधा को। ये बेसिकली एक सिंबॉलिक कहानी है
तो उधर दूर क्या हो रहा है आप बताने लगी थी। जी दूर जो है वो कृष्ण महाराज बैठे हैं और दादा की एक सखी जो है उन्हें जाके बता रही हैं कि वो आपके बगैर जो है बहुत उदास हैं और बहुत एक जैसे कहते हैं ना कि रोने की और बैन डालने की और एक बड़ी एक डेस्परेशन का जो है एलिमेंट। और यहाँ पर भी अब दो आपके फोकल पॉइंट हैं और तीसरा आपका आसमान है और सबसे ये तो मेरा ख्याल है। इसमें और क्या कहना, बड़ी वाजे है सारा वाजे। हाँ जी, मगर लाइट बड़ी का अच्छी जो तरह प्ले बयान है, किया जी, जो, आगे दरिया भी चल रहा है जी जी बड़ी। ये तो बड़ी खूबसूरत है। ऐसे लगता है कि ये पिंक जो है ना झूला अभी वापस जा रहा है हाँ जी, और फिर वापस इधर आ जाएगा। कमाल, ये भी वो इतनी रागमाला मूवमेंट सीरीज में हिंडोला रागा। ये तो हाँ जी, सावन भादों का मौसम सावन है, भादों का मौसम भी है ये। इसको आप बारह मासा में भी शामिल कर सकते हैं, राग रागनी इसमें भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जो हिंडोला रागा है वो भी अक्सर झूला दिखा के उसकी डिपिक्शन की जाती यहाँ पे है। मैं ख्याल रागमाला की मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँ नाजरीन के लिए कि ये मुख्तलिफ जो राग और रागनियाँ हैं उनकी शख्सी तसव्वुराती शख्सी शबी बनाई जाती है, उनको इमेजिनरी उनको बना के और उनको पर्सोनिफाई किया जाता था, तो ये उसका हिस्सा है ये। सर्द जी मौसम की भी कोई जी है सर जी जी अच्छा, जी वो जी तो सर उसमें वो कंबल में लिपटे हुए हैं ओहो और कंबल। हुक्का पास है और हाँ कोयलों की अंगीठी सामने हमें है। तो सावन भादों का अच्छा जी लगता है ये जी मौसम। आपके ये सावन भादों आपने कहा तो अभी अभी गुजरा आपके है। सामने आ गए। अच्छा हाँ जी ये सब आ गया। जी जी वाह सावन भादों का है और इसमें जो है बारिश का जो एक तूफान का वो बिजली भी आपको चमकती नजर आएगी और जी परिंदे और कृष्ण जी महाराज जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी चादर के जरिए बारिश राधा को से जी राधा जी को। और वही मौसमों की बात है और उसको रंगों के साथ जो है क्या वो बात। बनाया गया है। तो ये मुख्तलिफ इसमें ये बसंती रागनी के भी आपको इसमें रंग दिखाई देते हैं। क्या बात। हाँ जी गोपियाँ जी, ये ये अगली कांगड़ा अब आ गया जी, अब कांगड़ा आ गया जी हमारे कांगड़ा आ गया। ये इधर राजा संसार चंद के जी। हाँ जमाने का आर्टवर्क जो है बड़ा सरपरस्त जो था बहुत सरपरस्त वो है। सीकू वगैरह जो वो जी खानदान था जी मुसाफरों जी का जी इसी के यहाँ पंडित से था सेओ, हाँ जो जी लाहौर नैन्ब भी सब चक्कर लगाते थे बिल्कुल बिल्कुल लगाते लगाते थे। और राजा संसार चंद जो थे वो खुद भी बहुत आर्टिस्टिक तबीयत के मालिक थे। उनके ज़माने में पेंटिंग्स को बहुत सरपरस्ती मिली और हमें कांगड़ा और गुलेर और नूरपुर के जो स्टाइल्स हैं उसकी जो एक एपिटमी है या जिसे निखार उसमें पैदा हुआ उस ज़माने में। ये पेंटिंग जो है इसमें गोपियाँ दिखाई गई हैं जी, और लगता है देखने में यूँ मालूम होता है जैसे वो किसी चीज़ को तलाश कर रही हैं, वो कृष्ण जी को तलाश कर रही या हैं, इंतजार कर रही है नहीं तलाश झूठ कर रही हैं तलाश कर रही जी, है तलाश कर रही हैं कृष्ण जी को, तलाश कर रही हैं। और इसका जो मॉरल है वो ये है कि, और फिर नाज़रीन भी जानते हैं कि ये जो कृष्ण जी और राधा का जो एक रिलेशनशिप दिखाया जाता है स्पिरिचुअल हो रहा है ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, जैसे इंसान की रूह और खुदा को तलाश करती खुदा है, को तलाश करती है बिल्कुल ये वो रिलेशनशिप है। वो ही और रिलेशनशिप फिर खुदा मिलता कहाँ है, आपके दिल के अंदर। आपके दिल के अंदर जी मिलता है। ये बिल्कुल सही है, जी बड़ा सूफियाना है जी तो ये ये वो सारा सूफियाना सिलसिला। जो एक सेंटिमेंट है, हाँ ये गरुड़ा 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 वो ऊपर जो से जी विष्णु का वाहना है ये, और इस पे वाहना एक्सप्लेन ये कर रहे कहाँ हैं की कि हाँ जी तस्वीर है। वाहना ये है जी दिस इज कि अ पेंटिंग फ्रॉम दिस इज गुलेर और गुलेर, कांगड़ा, इधर गुलेर और कांगड़ा। वेरी अब ये गुलेर अनयूजुअल। गुलेर और कांगड़ा जो थे ये क्योंकि साथ साथ थे, और गुलेर जो था वो कांगड़ा के बाद उसकी बुनियाद रखी गई, मगर पेंटिंग गुलेर जो फुट हिल्स पे था और दिल्ली से और बाकी जगहों से ज़्यादा करीब था, तो इन्फ्लुएंसेस वहाँ पहले आते थे और फिर मगर ऊपर ये गुलेर और कांगड़ा की इतनी क्राउडेड मैंने तस्वीरें कम देखी हैं कि है। नॉर्मली उसमें ज्यादा इस्तेहकाम सिलेक्शन इसमें एक्शन एंड है ना जी, मोमेंट्स। जंग का सीन है। हाँ मगर हाँ जी ये तो पूरी फौज है जी पूरी फौज है, जो जंग का समा जंग का है समा। और आसमान पे भी जंग व जदल है और नीचे बिल्कुल भी ये बिल्कुल बहुत। आसमान से और जी कोई जो साहब ऊपर बादलों में जो बादल हैं पे भी बैठे हैं वो कोई। नरद हैं जी, हाँ वो नरद हैं जिनकी डबल गोर्डेड वीणा, जो दो वो गोर्ड्स वाली वीणा इनका एक ओके जी, वो उन्होंने उठा रखी है। गदूदा जो हैं इनके आप देखें तो पंजे में आपको सांप दिखाई देगा,
और गरूदा की और सांप की बड़ी आपस में दुश्मनी बताई जाती है, और ये बाद में जब ज्वेलरी भी बनती है उसमें भी गरूदा का और ये इसका इमेजरी इस्तेमाल होती है। और आप बिल्कुल देखें कि उन सांप जो है वो नेजे की एन अन्नी के आगे जो है वो आपको ये नजर आता है, क्योंकि सिखों ने जब इस इलाके को फतह कर लिया, महाराजा रणजीत सिंह जब इस एरिया को वो फतह उसका कर हिस्सा लेते बन हैं गई ना ये तो सारी ये उसका रियासत। हिस्सा बन जाती है। तो उसके बाद एक बड़ी जबरदस्त इंटरेक्शन वजूद में आती है, और वो लाहौर के और ये पहाड़ी जो आर्टिस्ट हैं ये इनकी एक बड़ी गजबनाक फ्यूजन होती है, और उसके नतीजे में हमें इतना शानदार काम मिलता है। जो लाहौर में हमें कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग्स मिलती हैं, इसी तरह से गुलेर के आर्टिस्ट आते रहे, तो जो बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ के थे पहाड़ के पहाड़ी स्कूल्स के, वो लाहौर आए अक्सर और लाहौर सर्दियों के सर्दियों के मौसम में जब ये वहां बर्फ नीचे आ गिरती जाता अक्सर यहाँ पे आते थे, जी अक्सर यहाँ क्राफ्ट्समैन मैदान की आते तरफ थे चले आते थे। और क्या नाम है मुसाफर आते थे और क्योंकि देखिए ना, सरदार चंद का जो रूल था वो खत्म तो देर में हुआ, वो उनका इंतकाल हुआ कोई 1823 के करीब, मगर 1809 के करीब कोट कांगड़ा जो था ना जी, जो उनका स्ट्रांग होल्ड था, जी जो गढ़ था उनका, ठीक और ये मिसल मशहूर थी कि जिसके जो जिसके पास ये कांगड़ा का कोट है ना, किला है, जी वो हाँ पूरे पहाड़ी इलाकों पे हावी है। काबिल है तो जब तक वो संसार चंद के पास रहा वो हावी रहे सब पर, फिर उनके जवाल आया और उनकी वो गुरखाज ने उन पे हमला कर दिया। 3 साल तक बहुत दिगरगु हालात रहे, फिर उन्हें रणजीत सिंह से मदद मांगनी पड़ी। तो रणजीत सिंह ने एक ही शर्त रखी कि कांगड़ा का कला मुझे दे दो, और जब कांगड़ा का कला रणजीत सिंह के कब्जे में आ गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी आहिस्ता आहिस्ता रियासतें। सब कुछ उनके पास आ गया। मगर रणजीत सिंह ने बड़ा लिहाज किया मगर संसार यही चंद मैं का। कह रहा हूँ कि इसका वहाँ पे हुकूमत में कोई जुल्म हो जबर कोई ऐसी कहानी तो नहीं मिलती। भाई आपका इतना जरखेज जहन है कि दिल करता है आपकी बातें सुनते रहें, मगर नाज़रीन से इजाज़त लेनी होगी। तो जनाब अल्लाह हाफिज़।